नमस्कार, बड़ी खबर। नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। तो आज जिस बड़ी खबर की बात करने जा रहे हैं हम, वो है राजनीति की पाठशाला, राजनीतिक दलों की पाठशाला, नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और मंडी चुनाव की प्राथमिकता को देखते हुए अब दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने विधायकों पदाधिकारियों की पाठशाला लगाने लगी है। भाजपा जहां उज्जैन में कल से अपने विधायकों मंत्रियों और पदाधिकारियों का दो दिनी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी, वहीं इसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। इस वर्ग में भविष्य की भाजपा के लिए चिंतन मंथन होगा तो निकाय चुनाव पंचायत चुनाव की रूपरेखा भी तय की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा की राह पर अपने विधायकों पदाधिकारियों की पाठशाला लगाने की तैयारी में है। ये माना जा रहा है कि ये पाठशाला खजुराहो में लगाई जाएगी, हालांकि इसका स्थान और तारीख अभी तक तय नहीं हुआ है। विधायकों को सक्रिय करने ये शिविर आयोजित होगा। युवा कांग्रेस का निर्वाचन होने के बाद धार के मोहन खेड़ा में कांग्रेस के दिग्गज नेता युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से ऊर्जा भर चुके हैं और अब विधायकों पदाधिकारियों की कक्षा लगाई जाएगी। इसकी योजना 22 फरवरी को विधायक दल की बैठक में तैयार होगी ताकि नगर सरकार और गाँव सरकार पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। हालांकि कांग्रेस सरकार बनने के बाद कांग्रेस पहली बार ऐसा करने जा रही है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायक ग्रीस गौतम जुड़ गए हैं। ग्रीस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएनएन पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा की एक जो पाठशाला है, अभी इससे पहले इंदौर में भी एक क्लास लगी थी भाजपा के पदाधिकारियों, क्लास ना कहें उसको, प्रशिक्षण या कुछ ऐसा कह लें कि चर्चा चिंतन मंथन का प्रशिक्षण वर्ग लगा था। इसके बाद अब पहले पचमढ़ी में था, अब उज्जैन में, तो ये पाठशाला का मूल उद्देश्य क्या है? गिरीश जी आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 मासी कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा की जाने वाली विचारधारा की पार्टी है जी, और इसीलिए हमारे यहाँ ये कोई अलग से इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा इस तरह के हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग लगते रहे हैं। अभी मंडल के स्तर पर हमने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग 2 दिन का चलाया जी। फिर जिला स्तर पर हुआ, फिर अध्यक्षों को, संगठन मंत्रियों का अलग से हुआ, अब ये विधायकों का हो रहा जी। तो ये प्रशिक्षण वर्ग हमारे पार्टी का एक, इस तरह से इसको समझिए कि नियमित किया जाना वाला अभ्यास है और उस दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए। इसको नगरीय निकाय चुनाव के लिए अलग संस्थाएं बनी है, अलग कमेटियां हैं, वो तय करेगी कि नगरीय निकाय चुनाव में किसको कहां करना, क्या करना, वो सब होगा जी। ये विधायकों का काम नहीं, ये संगठन का काम है। विधायक चूंकि कार्यकर्ता है पार्टी का, तो जो संगठन निर्णय करता है उसके अनुरूप हम लोग काम करते रहे। ये हमारा केवल बतौर कार्यकर्ता हम है वहाँ, बतौर विधायक नहीं है जी। ग्रीस जी, एक बात और कि ये जो प्रशिक्षण वर्ग होगा 2 दिनों का, इसमें पदाधिकारियों की भूमिका यानी कि जो टीम बीडी, नई टीम बीडी है, उसका भी प्रशिक्षण होगा और उसको, उनको भी एक दिया जाएगा संदेश कि आगे आपको क्या करना है। जैसे इंदौर से दिया गया था कि आपको किस लाइन पे बढ़ना है, तो उसका फाइनल खाका तैयार होगा उज्जैन में? नहीं, बिल्कुल, वो तो पदाधिकारी है, इसीलिए मैंने कहा हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है जी। और हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं और बतौर कार्यकर्ता विधायक हमको पार्टी पहले है,
विधायक हम बाद में हैं जी, तो हम भी बतौर कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे जी, और हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी साथ में रहेंगे जी। जैसा गिरीश जी आपने बोला कि नगरीय निकाय चुनाव की अलग कमेटियां हैं, लेकिन इससे पहले जो प्रदेश प्रभारी हैं तो वो बोल चुके हैं कि हमारे जो उद्देश्य है, विजन है, वो सीधा सीधा नगरीय निकाय चुनाव फोकस है। हम नगरीय निकाय चुनाव को बड़ी संजीदगी और गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए वहां के लिए हम एक प्लान तैयार करेंगे। तो ये प्लान का फाइनल खाका उज्जैन में खींचा जाएगा क्या? नहीं नहीं, विधायक प्लान नहीं तैयार करेंगे जी, तैयार पार्टी का संगठन करता है। क्या योजना है, उस योजना को कैसे धरातल पर ले जाकर के क्रियान्वयन करें, तो बतौर कार्यकर्ता हम करते हैं उसको। चलिए, चीज ये है कि पार्टी के भीतर जी, हम सब जो है जो कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं और बारह मासी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। चलिए गिरीश जी, फिर आएंगे आपके पास। अभी हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, सुशील शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और हर्ष यादव कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री। तो हर्ष जी, आपसे भी यही सवाल कि भाजपा जो प्रशिक्षण वर्ग करने जा रही है कल से उज्जैन में, तो अब कांग्रेस की भी तैयारी, लेकिन कांग्रेस की पहली बार ऐसी तैयारी देखने को मिल रही है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी कांग्रेस को पहले भी ऐसा कुछ कर लेना चाहिए था? देखिएगा, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पर डैमेज कंट्रोल रोकने के लिए काम कर रही है जी, ये पूरा मतभेद जानता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायकों को इग्नोर करके जी, महाराज का कैबिनेट मंत्रिमंडल बनाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल नहीं है जी, और जिस तरह से लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में उभर के सामने आ रही है लगातार जी, चाहे गिरीश गौतम जी जैसे सीनियर विधायक, सबसे वरिष्ठ वृंद के विधायक केदारनाथ शुक्ला की बात जी हो, चाहे अजय विष्णु जी की बात हो, चाहे गौरी शंकर बिसेन जी की बात हो, जिन्होंने संघर्ष के समय भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लिए पूरी ताकत दी, ऊर्जा का संचार किया, खून पसीना बहाया, आज उनको इग्नोर करके, उनको दूर करके महाराज का मंत्रिमंडल बना दिया भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जी। तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण के नाम पर, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र है, आप लोगों को जानकारी है, सबको जानकारी जी, है, तो कहीं ऐसा ना हो जी, कि भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं जी, सरकार को घेरने के लिए खड़े ना हो जाए विधानसभा में जी, और कहीं ना कहीं सरकार की थूथू हो, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। प्रशिक्षण शिविर के बहाने जी, आप ये बताइए, जो आरएसएस के जो पुराने लोग हैं, केडरवेस पार्टी के लोग हैं जी, चाहे वो विधायक हों चाहे सीनियर संगठन के लोग हों, उनको क्या जरूरत आ पड़ी उनको ट्रेनिंग देने की? वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पर, प्रशिक्षण के नाम पर जी, लोगों को मान मनोबल करने का प्रयास किया जा तो रहा है। हर्ष जी, अभी कांग्रेस भी इसी प्लान पर आगे बढ़ रही है, तो मेरा सवाल वही है कि कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों? देखिएगा, हम लोग किसी को मान मनोबल के लिए तैयारी नहीं कर रहे, हम लोगों का सोच स्पष्ट है जी, हमारा मिशन स्पष्ट है, नगरीय निकाय चुनाव जीतना, आने वाले पंचायत चुनाव पे हम अपनी पार्टी को कैसे ले जाएं, गांव-गांव तक कैसे ले जाएं, सहकारिता चुनाव में हम लोग अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक साल का कार्यकाल क्या चेहरा उजागर हुआ, शिवराज सिंह जी का जी, ढपोल संघ का राज जो है देखा है हम लोगों ने, सबने देखा है, 15 वर्ष का कार्यकाल भी पूरी देखा है, और उसका परिणति थी कि एक जनता ने बदलाव के रूप में कमलनाथ जी की सरकार बनवाई थी जी, और आज वो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ये अलग बात है, आप लोग कहेंगे कि भाई इलेक्शन में रिजल्ट आए, रिजल्ट कैसे आए कैसे नहीं आए, वो आप सबके बारे में जानकारी है कि किस तरह से छल बल से और प्रलोभन दे के सरकार बनाई गई है, किस तरह से वो बाई इलेक्शन में उपयोग किया गया है जी, मार जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। किस तरह से आज पूरे प्रदेश में देखेगा, पूरे प्रदेश में एक साल के कार्यकाल में महिलाओं के साथ अत्याचार की पुनः घटनाएं होने लगी, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, नवजात शिशुओं की जो मृत्यु दर बढ़ी है जी, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का लचर व्यवस्था देखी गई है, भी मैं नहीं कहता, आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी और सोशल मीडिया के लोग सब कह रहे हैं जी, और 15 वर्ष का
के कार्यकाल के बाद 15 महीने का कार्यकाल भी सरदार सिंह जी के कार्यकाल के बाद कमलनाथ जी का कार्यकाल लोगों ने देखा और महसूस किया है। कहीं ना कहीं एक लोगों में बदलाव का एहसास हुआ था और जनता चाहती थी कि 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस को मिला है जी। तो वो पूरा करे, अगला जनादेश जो होगा उस जनता स्वीकार करती। चलिए हर्ष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी हैं, उनसे भी एक कमेंट्स ले लेते हैं। सुशील जी, तो आपने दोनों लोगों को सुना, हर्ष जी बोल रहे हैं कि हम इसलिए प्रशिक्षण शिविर की ओर जा रहे हैं कि हमें नगरीय निकाय चुनाव में जाना है, और भाजपा इसलिए कर रही है कि वो संतुलन की राजनीति कर रही है, तो आपका भी एक कमेंट। देखिए महेंद्र जी, पहली बात तो है कि भाजपा में ये प्रशिक्षण एक रूटीन प्रक्रिया के तहत होते रहते हैं जी। दूसरा प्रशिक्षण की जगह इसको अगर आप कहें कि तैयारी वाला मामला कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। अब बीटी प्रशिक्षण क्यों करें, इसकी दो वजह हैं जी। पहली तो है कि कुछ रीति नीति से अपरिचित विधायक जो दल बदल कर आए विधायक बने, उनको जो है पार्टी में सामंजस्य के लिए विधायकों के बीच में बिठाना, और एक जो है उन्हें जो है पार्टी के रीति नीति सिद्धांत समझाना। दूसरा, चूंकि डी शर्मा जी की कार्यकारिणी भी बनी है तो उन पदाधिकारियों का भी इन दो दिनों में विधायक को जनप्रतिनिधियों के साथ जो है संपर्क बनेगा। और इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण बीजेपी का उद्देश्य ये भी होगा कि चूंकि सदन विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है, उस दौरान कोई ऐसी स्थिति न निर्मित हो जिससे कि सरकार को जो है कहीं ना कहीं उसको सरकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, इसलिए भी जो है विधायकों को एकजुट करने की मुहिम की जाएगी। और इसी बैठक में अंत में ये भी होगा कि एक चेतावनी, एक हिदायत, एक सख्त संदेश उन विधायकों को भी दिया जा सकता है जो गाहे बगाहे अपनी उपेक्षा या अपनी अपेक्षा को लेकर ट्विटर या सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते रहते हैं। उनको ये कहा जा सकता है या उनको ये हिदायत दी जा सकती है कि वो ये बात सारी बातें उनका जो भी सुख दुख है वो पार्टी फोरम में ही कहें, पार्टी फोरम के बाहर जाकर ऐसी कोई बात ना कहें। और जब ये सख्त संदेश दिया जाएगा तो वो नए जो विधायक हैं वो भी इस बात को देखेंगे जो दल बदल कर आए हैं कि इस पार्टी का रीति नीति सिद्धांत कैसा है और कैसे किस तरीके से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितनी बार का विधायक हो, यदि वो पार्टी गाइडलाइन या अनुशासन की परिधि को पार करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए पार्टी तैयार रहती है। जहां तक कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस जो कुछ पाया था उसने सब खो दिया है, तो पार्टी अब और ज्यादा जिस तरीके से बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमारे संपर्क में और भी लगे, एक तो उन लोगों को जोड़े रखना और दूसरा वही जो बजट सत्र आ रहा है उसकी तैयारियों को लेकर किस तरीके से आक्रामक तरीके से कांग्रेस पलटवार कर सकती है उसको लेकर रणनीति बनेगी, उसी पर चिंतन होगा। चलिए गिरीश जी, एक सवाल इसी में आपसे कि क्या जरूरत पड़ रही है, जैसे उपचुनाव के बाद से लगातार देखने में आ रहा है कि भाजपा ज्यादा से ज्यादा ऐसे आयोजन कर रही है जिसमें नेता एकत्रित हों, पदाधिकारी एकत्रित हों और विधायक एकत्रित हों, तो क्या जो हर्ष जी कह रहे हैं मान मनोवल की स्थिति अभी भी है क्या भाजपा में? नहीं, अभी जो सुशील शर्मा जी ने एक बात कही वो वाकई में उसी, हेलो, अभी जो सुशील शर्मा जी ने एक बात कही कि ये नियमित प्रक्रिया हमारे यहाँ है जी। अब हर्ष यादव जी कह रहे हैं कि विधायकों को मान मनोबल के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, तो अभी तो हमने आपसे बताया ना कि मंडल स्तर से लेकर के जी। मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग हुआ मंडल के हमारे कार्यकर्ताओं का जी। फिर जिला के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग हुआ जी। फिर जिला यहाँ पर भोपाल में उनका हुआ, ये तो विधानसभा में नहीं, मंत्री के उसमें नहीं, स्पीकर के उसमें नहीं है, तो इनका भी प्रशिक्षण हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ नियमित प्रक्रिया है प्रशिक्षण वर्ग चलाने की, लगातार रीति से नीति से कार्यकर्ताओं को लैस करने की। अभी जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे शिवराज जी ने जो तमाम सारे जनता के काम किए हैं उनको भी जनता के बीच में पहुंचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ बैठकें होती, हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग होता है, उसको इस दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई हम विधायकों की कोई नाराजगी है, नाराजगी कारण ये सब कोई इकट्ठा किया जा रहा है, ये सब नहीं चलता हमारे यहाँ जी। बड़े लंबे अरसे बाद अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है गिरीश जी, तो क्या ऐसे में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए भी कोई टिप्स दिए जाएंगे कि विपक्ष घेराबंदी करे इससे पहले आप मुस्तैद रहें? नहीं, टिप्स देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम बहुत सारे विधायक कांग्रेस के प्रश्नों का जवाब देने के लिए स्वयं में सक्षम है वो जी। और कांग्रेस से क्या प्रश्न करेगी जी, कांग्रेस के प्रश्न करने का आप समझते हैं 15 महीने में पूरे देश को
प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया, अभी वो प्रश्न क्या करेंगे जी। हमारे जवानों का, हमारे प्रश्नों का भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए उसकी चिंता अपने को नहीं कि कांग्रेस के विधायक क्या प्रश्न करेंगे, और उसके लिए कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं कि विधायकों को बुला करके क्या जवाब देना है, ये सिखाने की भी आवश्यकता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक सब सीखे हुए हैं जी, और डट करके मुकाबला करेंगे, डट करके जवाब देंगे जी। हर्ष जी, गिरीश जी क्या कह रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस क्या सवाल लगाएगी विधानसभा सत्र के दौरान? देखिएगा, शुरू से मैंने पिछले कार्यकाल भी देखा है, 5 वर्ष में विधायक रहा हूँ, विपक्ष का विधायक रहा हूँ जी, जिस तरह से हम लोगों की संख्या बल कम थी, मगर जिस तरह से हम लोगों ने घेराबंदी करते थे तो सत्तारूढ़ पार्टी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि इस बार जो है सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने सर्वाधिक प्रश्न लगाए हैं, पिछले बार भी ये बात आई थी जी। तो कहीं ना कहीं ये बात तो मेरी बात सिद्ध हो रही है कि विधायकों में आज जो स्थितियां हैं उस स्थिति से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, तो वो है विधानसभा का एक मंच जी। या तो सड़क पे लड़ाई लड़ता है या विधानसभा के में बात उठाई जाए जी। वो कहीं ना कहीं विधायकों के मन में जी। जिस तरह से अपने क्षेत्र के प्रति समर्पण है या काम करने की एक ललक होती है जी, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, मगर जिस तरह से आज जो शैली शिवराज सिंह जी की चल रही है 1 साल के कार्यकाल में, तो विधायक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कई विधायक साथियों ने हम लोग जब बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, बीजेपी के लोग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हम लोगों की बेहद उपेक्षा हो रही है, हमारे क्षेत्र की बेहद उपेक्षा हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में हुई है श्रीमंत सिंधिया जी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उपेक्षित कर रही है। हर्ष जी, ये शैडो कमेटी जो कमलनाथ जी ने बनाई है ये क्या है? देखिएगा, कमलनाथ जी की कार्य करने के ढंग एक अलग होता है जी। और निश्चित रूप से आप आने वाला विधानसभा सेशन जो रहेगा, आप लोग सब साक्षी होंगे जी, बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी हम लोगों की है, और निश्चित रूप से संगठन में भी कसावट आने वाली है, संगठन में भी बड़े स्तर पे बदलाव करने की हमारे नेता कमलनाथ जी की एक मंशा है कि जिले स्तर से लेके संगठन में ब्लॉक लेवल पर भी बदलाव किया जाए, प्रदेश स्तर पर भी बदलाव किया जाए, और कहीं ना कहीं एक संगठन में जिस तरह से कसावट की लंबे समय से मांग हो रही थी वो भी होगी। अभी तो सामने हम लोगों के सामने चुनाव है, विधानसभा का सत्र है, उसकी तैयारी पार्टी के द्वारा की जा रही है। ठीक है हर जी, सुशील जी के पास आते हैं, इससे पहले गिरीश जी एक सवाल कि सिंधिया से जुड़े हुए जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं उनके प्रशिक्षण के क्या मायने, प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने के कोई मायने ऐसे समझ में आते हैं आपको? नहीं, उसमें अब ज्योतिराज जी सिंधिया के ग्रुप का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जी। अब वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जी। तो जो सामान्य प्रक्रिया है हमारे यहाँ वर्ग की, उस तरह का उनको भी उसके वर्ग में शामिल होना ही पड़ेगा, ये प्रक्रिया है। दूसरा भी हमारे हर्ष भाई कह रहे थे कि वो विधानसभा के भीतर भाजपा के विधायकों ने ही बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं जी। तो हमारे प्रश्न यदि इस बात को लगे हुए हैं कि 15 महीने के भीतर यदि कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी, कितने का कर्ज माफ किया, ये हमारे भाजपा सरकार के खिलाफ थोड़ी है। हम तो उनका सवाल पूछ रहे हैं कि जरा जो आप मैदान में तमाम झूठ बोलते हो उसका जवाब देना पड़ेगा, तो सरकार बताए कि कितने लोगों का माफ हुआ है। इस तरह के प्रश्नों का अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रश्न तो लगाना है, विधायक है तो प्रश्न लगाएगा जी, जी। है ना, विधानसभा के भीतर उत्तर आएंगे, पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान आकर्षण लगाए जाएंगे, 139 की चर्चा में लिए जाएंगे, संकल्प लगाए जाएंगे, जो भी विधायक के अधिकार हैं उसका वो सरकार होते भी अपना प्रयोग करता है। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है कि हम सत्ताधारी दल के विधायक हो गए तो क्या 35 दिन की विधानसभा चलेगी, 25 दिन तो मुंह चुप करके थोड़ी बैठेंगे जी। बिल्कुल सुशील जी, आप ने दोनों लोगों की बात सुनी, तो ऐसे में जैसे हर्ष जी बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, प्रश्न करने के लिए, आप देखना विधानसभा सत्र, और संगठन नए सिरे से गढ़ेंगे, तो आप किस नजरिए से देखते हैं कांग्रेस के संगठन को और विधानसभा की तैयारी को कांग्रेस की? देखिए, अभी तक जितना जो है कांग्रेस ने खोने के बाद भी जिस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है, जो कदम उठा रही है, उससे ऐसा लगता तो नहीं कि कांग्रेस बहुत जो
आक्रामक तरीके से अपना प्रदर्शन कर पाएगी। जहां तक सत्र का सवाल है, सत्र के पहले ही आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो तैयारी है उसमें ऐसा कोई व्यापक बदलाव या ऐसा कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है जो ये प्रदर्शित करे कि कांग्रेस ने इससे सबक लिया और इस सबक लेने के बाद बीजेपी तो पलटवार वैसा करेगी जैसी कि विपक्ष के रूप में अपेक्षा की जाती है। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि सदन चलेगा, वो भी सदन में भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के विधायक कितने गुटों में बटे रहते हैं, क्योंकि हमने पहले कई मरतबा देखा है, 15 साल में भी हमने कांग्रेस का विपक्ष का रोल देखा है, कांग्रेस ने विपक्ष के रोल को बखूबी नहीं निभाया। अभी भी इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद आप देख लीजिए भोपाल में एक भी बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का खड़ा कर पाई। जी, भोपाल में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ उसमें भी 4 से 5 हजार लोग आ रहे हैं, बिल्कुल 97 आपके विधायक, यदि एक विधायक भी 1000 व्यक्तियों को भी लेकर आता तो 97,000 लोग भोपाल में प्रदर्शन करते। लेकिन चूंकि क्या कि कांग्रेस जनता से कटती चली जा रही है, जनता से कनेक्ट होने का प्रयास वैसा नहीं किया जाता, उसके परिणाम है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाती है। तो संगठन के विस्तार की बात भी यहाँ हर्ष जी ने कही है सुशील जी, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को अभी संगठन विस्तार यानी नगरीय निकाय के लिए संगठन विस्तार की महती आवश्यकता है और अभी तक ऐसा हुआ नहीं, तो आप कैसे संभव है? महेन जी, संगठन विस्तार इसे कहते हैं क्या, जीतू पटवारी मीडिया विभाग के अध्यक्ष, नरेंद्र सलूजा मीडिया विभाग के समन्वयक, अब के मिश्रा महासचिव मीडिया, मीडिया में इतने लोग बिठा रहे, ये तो पद बांटना, इन पद के बांटने से कुछ हासिल होता है क्या? जिम्मेदारी और जवाबदारी जब तक ये तय नहीं होगी तब तक कांग्रेस का भला नहीं होगा। आप पद खूब बांट दीजिए, हर गली में महासचिव बना दीजिए, हर गली में आप संगठन खड़ा कर दीजिए, और उससे काम थोड़ा ना, जब संगठन को आवश्यकता हो तब वो लोग दिखे भी तो सही। जब वो लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो ऐसे संगठन की आवश्यकता का, भोपाल के पूरे 20 लाख लोगों को पद बांट दीजिए, बिल्कुल कांग्रेस उससे खड़ी हो जाएगी। जी हर्ष जी, सुशील जी क्या कह रहे हैं? जी सुशील जी कह रहे हैं कि ऐसे पद बांटने से संगठन का विस्तार हो जाएगा क्या कांग्रेस का? नहीं, सुशील भाई जो कह रहे हैं जी, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से जो आपने कही बात वो कुछ हद तक ठीक हो सकती है, मगर निश्चित रूप से जिस तरह इसका खाका तैयार किया गया है और किया जा रहा है कमलनाथ जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से अब जो संगठन का जो रूप दिखाई देगा, चाहे वो जिला स्तर की बात हो, चाहे ब्लॉक स्तर की बात हो, चाहे प्रदेश स्तर में संगठन में जवाबदारी देने की बात हो, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी कमलनाथ जी के द्वारा की गई है। और देखिएगा आप जिस तरह से 4 AICC के द्वारा सचिव सेक्रेटरी को पूरे 4 मतदेश में बांटा गया है, और आप देखेंगे कि इस कोरोना काल के बावजूद भी हमारे वो सचिव लगातार हर जिले में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन है, पहले सचिव जो है या जनरल सेक्रेटरी जो है बहुत कम आया करते थे, मुकुल वासनिक जी जब से हमारे यहाँ प्रभारी बने हैं, मध्यप्रदेश के प्रभारी बने हैं, चाहे सीपी मित्तल जी की बात हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी की बात हो, चारों जो सचिव जो है लगातार जो उनको प्रभार दिए वाले जिले मिले हैं लगातार दौड़े कर रहे हैं, और इसका निश्चित रूप से परिणाम आने वाले समय में नगरीय निकाय में भी और अन्य चुनाव में साथ साथ संगठन में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला होगा, और संगठन में कसावट आएगी और अनुशासन की जो बात होती थी हमारे संगठन में कि अनुशासन पार्टी हो और अनुशासन से काम करे वो दिखाई देगा। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल हर्ष जी आपसे कि क्या 22 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें मूल मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आपके विधानसभा में विपक्ष की भूमिका होगी महत्वपूर्ण मुद्दे, 3 मुद्दे? देखिएगा अब तो लगातार जब भोपाल में विधायक रहेंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा में विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, जनहित के मुद्दे हम लोग कैसे उठाएं, अभी आने वाला समय गर्मी का शुरू होने वाला है, खरीदी का, गेहूं खरीदी का, चना मसूर खरीदी का, जिस तरह से किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यवहार हो रहा है, धान खरीदी के मामले सुनाए जा रहे हैं, इन सब चीजों पे हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे, और महंगाई की बात हो, चाहे आज महंगाई का हाल क्या है, जिस तरह से किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई हो रही है, ट्रैक्टर जब्त किए जा रहे हैं, ट्रैक्टर उठाए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल उठाए जा रहे हैं, लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ
केस बनाए जा रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा। मतलब ऐसा जंगल राज एक बार पुनः शुरू हुआ जो जनता जिससे त्रस्त हो चुकी है। इन सब मुद्दे हम विधानसभा में उठाएंगे। इतने सारे मुद्दे हैं कि विधानसभा का कार्यकाल छोटा पड़ जाएगा, हमारी सरकार जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होगी। तैयारी हम लोगों की है गिरीश जी, कांग्रेस की तैयारी सरकार को कटघरे में खड़े करने की है, तो बीजेपी की तैयारी क्या? तौर पर हमारी तैयारी चलती रहती है जी जी। इनकी तैयारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। और ये जिस जंगल राज की बात करें, ये जैसा जंगल राज यदि बनता है जिसमें तमाम सारे लोगों को सुविधाएं मिलती है, अब ये जंगल 5 महीना शिवराज जी की सरकार के बाद 28 सीटों के बाय इलेक्शन हुए, जो 3,000 से जीता था 52,000 से जीत रहा है। भी जंगल राज होता तो काहे को वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता? बिल्कुल। ये चाहे नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी कर ले, चाहे ग्राम पंचायतों की तैयारी कर ले, मैं कांग्रेस को एक सलाह देना चाहता हूँ। कांग्रेस को यदि फिर से खड़ा होना है जी, तो ये विकलांग नेता को बना करके जो किसी काम का नहीं हो उसको नेतृत्व में कांग्रेस फिर नहीं खड़ी हो सकती है। जी गिरीश जी, एक आखिरी सवाल की तलाश करनी पड़ेगी, नेतृत्व ठीक से लाना पड़ेगा जी, जो जनता की नब्ज को समझ सके। और भाई कोई डॉक्टर होगा तो जब बीमार की नब्ज नहीं जानेगा तो दवाई उल्टा सीधा देगा ना। बिल्कुल गिरीश जी, एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, उज्जैन में जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है उसके बाद क्या हम गिरीश गौतम को नई भूमिका में देख पाएंगे या देखेंगे? नहीं, हमारे पार्टी में शुद्धतः पार्टी संगठन का निर्णय होता है। हमारी क्या भूमिका होगी ये भूमिका भी तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है, और चूंकि विधायक है तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री भी करते हैं। चलिए सुशील जी का एक लाइन में कमेंट, सुशील जी। हाँ महेंद्र जी बोलिए। गिरीश जी के से सवाल किया था, क्या प्रशिक्षण शिविर के बाद उज्जैन के गिरीश जी को नई भूमिका में देखेंगे क्या हम और आप? देखिए मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूँ, वो तो पार्टी तय करेगी उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए नहीं चाहिए, पर ये एक बात सही है कि विंद थोड़ा नाराज है बीजेपी में, तो उनको किस भूमिका में लेके आते हैं, मेरी तरफ से तो उनको अग्रिम शुभकामना है। चलिए चर्चा में सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष यादव जी आपका, सुशील शर्मा जी आपका, गिरीश गौतम जी आपका। तो आपको बता रहे थे कि राजनीतिक दलों की पाठशाला जिस तरीके से नगरी निकायों को फोकस करके लगाई जा रही है या कांग्रेस लगाने की तैयारी में कर रही है, ऐसे में आप देखें कि दोनों ही सियासी दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी अपने अपने कुनवे को मजबूत करने के लिए ये पाठशालाएँ लगा रहे हैं। आज फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। तो आपको बता रहे हैं इस जो भाजपा का जो प्रशिक्षण वर्ग है उसमें आप देखें कि सारे नेता वहां मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी रहेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे, सारे मंत्री रहेंगे, भी टीम बीडी की नई टीम रहेगी। तो इस का जो लब्बोलुआब निकल कर सामने आएगा वो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि भविष्य की भाजपा की बुनियाद रखी जाएगी, तो विधानसभा की तैयारी भी होगी, क्योंकि 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र है और ये बजट सत्र लगभग 33 दिन चल रहा है। ऐसे में आप देखें कि विपक्ष की घेराबंदी की तैयारी होगी, तो ये पाठ भी पढ़ाया जाएगा भाजपा के जो विधायक हैं मंत्री हैं कि आपको किस तरीके से इस घेराबंदी से बचना है और किस तरीके से इसको फेस करना है। इसके बाद जो टीम भाजपा है या जिला स्तर जो टीम है उसके गठन की बात भी होगी, तो इन सारी चीज़ों का लब्बोलुआब अभी निकल कर सामने आएगा उज्जैन के महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग के बाद। ऐसे ही 22 तारीख को तय होगा कि कांग्रेस कहां पर अपना प्रशिक्षण वर्ग लगाती है या विधायकों की पाठशाला लगाती है, या जिस तरीके से हर्ष यादव ने कहा कि नई टीम यानी कि संगठन को नए तरीके से गढ़ने की कवायद शुरू करती है। तो फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए DNN के साथ। नमस्कार।